नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल में। आज के इस वीडियो में जो बेसिकली डिस्कस करेंगे हम लोग, मी टू कैंपेन के तहत बहुत सारे राजनेताओं अभिनेताओं पे आरोप लगे, अभिनेताओं पे ज़्यादा लगे। राजनेता में मिस्टर एमजे अकबर हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इन पे भी एक आरोप लगा, जो इनकी सहकर्मी पूर्व में रह चुकी उन्होंने आरोप लगाया। तो इस एडिटोरियल में बेसिकली हम बात क्या करेंगे, उन एमजे अकबर पे जो आरोप लगा, इस आरोप के बाद उनका जो अनकन्विंसिंग सफाई था वो, उस पर बात करेंगे उनकी सफाई पे, और उन्होंने क्या बताया कि ये कंस्पिरेसी है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश है, इस तरह के वो बातें उन्होंने बताया। ये उनके लिए इस एडिटोरियल में उनको सलाह दी गई है कि आप सफाई देते, लेकिन अगर रेजिग्नेशन देने के बाद अगर ये आप सफाई देते तो ज़्यादा बेहतर होता। उनकी लीगेसी जो जर्नलिज्म में है काफ़ी बड़ी है, और ये एक अच्छा मैसेज जाता लोगों को। तो ये एक उनके लिए एक सलाह थी, एक उनके लिए बातें बोली गई है इस एडिटोरियल में। इसके अलावा जो इस तरह के जो एमजे अकबर पे आरोप लगे, इसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिएक्शन था, जो ट्रीटमेंट था, डीलिंग था इस पूरे प्रकरण को, वो सही नहीं था, ये बताया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी लेट लगाया इनसे रेजिग्नेशन लेने में। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें निकलेगी जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे किस तरह के आरोप लगे और क्या है, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैंने समअप किया कि है क्या इस एडिटोरियल में, एक्चुअली बातें क्या करेंगे। तो आपको आइडिया लग गया कि एमजे अकबर पे जो आरोप लगे, उन आरोपों के बाद में उनका जो कंडक्ट था उस पर बात करेंगे, और इस पूरे प्रकरण का जो डीलिंग थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से उस पर बात करेंगे, और कुछ और भी इस मी टू कैंपेन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं आप, पहला ही लाइन हेडिंग है जो अनटेनेबल ऑन एमजे अकबर। अनटेनेबल का मतलब होता है, अनटेनेबल का मतलब होता है असमर्थनीय, जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, समर्थन नहीं दिया जा सकता। और किस प्रकरण की बात की जा रही, एमजे अकबर के प्रकरण पे। एमजे अकबर शुड हैव रिजाइंड, उनको रिजाइन दे दिया जाना चाहिए था, और एल्स आस्क्ड टू गो, या गवर्नमेंट को बोलना चाहिए था उनको रिजाइन दे दे, या तो उनको स्वेच्छा से दे देना चाहिए था एमजे अकबर को, या फिर गवर्नमेंट को बोलना चाहिए देने के लिए था, should have, अब तो गया। The Minister of State for External Affairs, कौन, MJ अकबर, should have done the only right thing in the circumstances, resign, उनको सिर्फ एक ही इस circumstances में कार्य करना चाहिए, वो कार्य सही right thing क्या है, सही काम क्या है, वो है only resign, उनको resign देना चाहिए था। This was the only course to limit the already significant damage to the high office he holds. जो high office वो hold करते हैं उसमें already जो significant damage हो चुका है उसको और limit करने के लिए उनको क्या करना चाहिए था, only course उनको क्या करना चाहिए था, only course मतलब एक ही काम करना चाहिए था उनको, वो resign है। His legacy in the Indian journalism would have also have been better served had he quit first and attempted to defend himself legally or otherwise later. उन्होंने ये भी, उनको ये भी करना चाहिए, जो अपनी legacy है Indian journalism में, उनकी legacy है जो विरासत है, उसके लिए भी अच्छा होता, would also have been better, Indian journalism के लिए भी बेहतर होता उनकी legacy को देखते हुए, अगर वो पहले रिजाइन करते एंड अटेम्प्टेड टू डिफेंड हिमसेल्फ लीगली और अदरवाइज लेटर, बाद में वो अटेम्प्ट प्रयास करते डिफेंड करने के लिए अपने आप को, चाहे वो लीगली करते या फिर किसी और तरीके से करते, बट बाद में, फर्स्ट ही शुड हैव रिजाइंड देन ही शुड हैव टेकन कोर्स फॉर डिफेंडिंग हिमसेल्फ। तो ये बातें हुई है अभी तक, बट
यहाँ पे आ गया अनफॉर्चुनेटली, यानी दुर्भाग्य से. ही चूज नॉट टू डू अपन हिज रिटर्न टू दिल्ली फ्रॉम एन ओवरसीज ऑफिशियल ट्रिप ऑन संडे. संडे को ऑफिशियल ओवरसीज ट्रिप से वो वापस आने के बाद उन्होंने ऐसा कुछ भी चूज नहीं किया, कोई ऐसा बातें नहीं की जो हमने डिस्कस किया रेजिग्नेशन के बारे में. ही वेंट ऑन द ऑफेंसिव बाय डिसमिसिंग द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ चार्जेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट मेड अगेंस्ट हिम. और उन्होंने उल्टा क्या किया, वो ऑफेंसिव हो गए, आक्रामक हो गए. बाय व्हाट, डिसमिस करके उन पे जो चार्जेस लगे उनको डिसमिस किया, पहले खारिज किया और उसके बाद आक्रामक हुए. लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ चार्जेस मतलब होता है अ रिलेटेड, लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ चार्जेस मतलब रिलेटेड काइंड ऑफ इंसिडेंट्स जो होते हैं उसको लॉन्ग स्ट्रिंग बोलते हैं. ये कई बार मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया. तो लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ चार्जेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, उन पे जो बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस उन पे लगाए गए हैं मेड अगेंस्ट हिम बाय होम, बाय फॉर्मर वुमेन कलीग्स. उनकी जो महिला सहकर्मी रह चुकी है उनके द्वारा लगाया गया उन पे आरोप, उनको डिसमिस किया, खारिज किया और उन पे ही वो ऑफेंसिव हो गई. एज अ टिश्यू ऑफ लाइज मतलब क्या होता है, अ स्टोरी और अ रिपोर्ट दैट इज कम्प्लीटली फॉल्स, अ स्टोरी दैट इज अ फुल ऑफ लाइज. यानी उन्होंने क्या किया कि पहले तो डिसमिस किया ये कहते हुए कि ये सब स्टोरी जो कम्प्लीटली फॉल्स है, फेक है, झूठ से भरा, झूठों का पुलिंदा है, ये कहते हुए उन्होंने खारिज किया और आक्रामक हो गए. ही चोज टू स्पिन एन अनकन्विंसिंग वेब ऑफ कंस्पिरेसी अराउंड द सडन स्पेट ऑफ द हैश मी टू डिस्क्लोजर ओवर द लास्ट वीक. और क्या, ही चोज टू स्पिन मतलब सुनाना, एक रिसाइट करना, रिसाइट. और वो बताने लगे, सुनाने लगे जो भी यहाँ पे हो, अनकन्विंसिंग वेब ऑफ कंस्पिरेसी. अनकन्विंसिंग मतलब क्या होता है, जो झूठ लगे, मतलब कन्विंस नहीं कर पा रहा आपको कि नहीं, कन्विंस तो नहीं हो रहे, मतलब कि आपको नहीं ऐसा प्रतीत हो रहा कि आप सही बोल रहे हैं. तो ये अनकन्विंसिंग वेव ऑफ कंस्पिरेसी अराउंड द सडन स्पेट ऑफ द हैश मी टू ओवर द लास्ट वीक. ये जो हैश मी टू का डिस्क्लोजर चल रहा है, खुलासे चल रहे हैं पिछले सप्ताह से, इसको एक वेव ऑफ कंस्पिरेसी उन्होंने इसको बताया. स्पेट का मतलब होता है अ सडन और अ स्ट्रॉन्ग आउटबर्स्ट. तो ये जो अचानक जो इस तरह के जो आउटबर्स्ट हुए हैं, आउटबर्स्ट उभरे हैं चीजें मीटू, हैश मीटू के दौरान डिस्क्लोजर जो हो रहे हैं पिछले सप्ताह से, तो इन सब चीजों को उन्होंने क्या बताया, अ वेव ऑफ कंस्पिरेसी बताया जो कि अनकन्विंसिंग लग रहा है. मिस्टर अकबर्स बेसिक थीम, उनका जो बेसिक थीम है वो ये है कि विथ इलेक्शन राउंड द कॉर्नर, इलेक्शन आसपास ही है, दीज चार्जेस आर मोटिवेटेड. ये जो चार्जेस है मोटिवेटेड है, प्रेरित होकर के उन पे चार्जेस लगाए हैं, क्योंकि जो इलेक्शन अराउंड द कॉर्नर है यानी नजदीक है, इसी वजह से जो चार्जेस उन पे लगे हैं मोटिवेटेड है और प्रेरित होकर लगाए गए हैं. देयर इज अ सेकेंड मोर स्पेसिफिक लाइन इन हिज अटेम्प्टेड डिफेंस. और उनके उनका जो डिफेंस था, एक स्पेसिफिक लाइन है जो उन्होंने अटेम्प्ट डिफेंस करते वक्त उन्होंने बताया, वन दैट सजेस्ट दैट द ग्रेव मैन ऑफ द चार्जेस इज वेग एंड अनसब्सटेंशिएटेड. और उन्होंने सेकेंड जो बातें बोली वो ये बताया कि जो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ग्रेवेंस और कंप्लेंट होता है जिसको ग्रेवमैन बोलते हैं, तो ग्रेवमैन ऑफ द चार्ज जो है यानी उन पे जो चार्ज लगा है उसका जो मुख्य बिंदु, उसका जो मुख्य पार्ट है वो अस्पष्ट है, वेग है एंड अनसब्सटेंशिएटेड है, यानी प्रमाण रहित, बेसबूत है, जिसका कोई आधार नहीं है, निराधार है. तो उन्होंने पहला तो ये बोला कि ये कंस्पिरेसी है उनके खिलाफ, चूंकि चुनाव नजदीक है
और प्रेरित होकर ये सब किया जा रहा है। दूसरा चीज उन्होंने ये बोला कि जो चार्जेस लगाए गए हैं वो अस्पष्ट है और प्रमाण रहित है। While it is true that not every one of the dozen or so women have claimed they were physically assaulted, और while it is true ये सही है, while it is true that ये सही है कि not every one of the dozen or so women have claimed, जितने दर्जनों women हो या फिर cases जो claim किए गए हैं सभी के सभी physically assault के matter है। द ओवरऑल पिक्चर, जो ओवरऑल पिक्चर वो ये है कि दे हैव पेंटेड इज दैट ऑफ अ सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये जो पैटर्न पूरा ये है कि जो सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, चाहे वो फिजिकल असॉल्ट के रूप में हो, चाहे वो आप उसके साथ सजेस्टिवनेस से करते हो या फिर आप उसके साथ गलत टच, बैड टच करते हो, किसी भी तरह का जो मिसकंडक्ट है महिलाओं के प्रति, ये उसको दर्शाता है, ना कि एवरी केसेस जुड़ा हुआ हो फिजिकल असॉल्ट का। तो ये बेसिकली ये मैटर यहाँ पे ये है। Their stories range from suggestiveness, और इस तरह के जो their stories है, their stories मतलब उनका जो stories है, stories वो range करता है from what? Suggestiveness, अश्लीलता, innuendo, innuendo मतलब होता a remark or a remark that suggests something sexual or something unpleasant but do not refer to it directly, कोई ऐसा remark, comment जो कि sexual हो या फिर unpleasant हो, जो डायरेक्टली इस तरह के रेफर ना करता हो लेकिन इस तरह के कुछ बातें, रिमार्क हो जो डायरेक्टली नहीं बताता हो कि ये एक इस तरह का रिमार्क है, लेकिन उस तरह का एक डबल मीनिंग टाइप का, तो ये इनवेंडो होता है। रेंज फ्रॉम सजेस्टिवनेस एंड इनवेंडो टू व्हाट? टू आउट राइट मोलेस्टेशन, सीधे सीधे छेड़छाड़ तक उनका जो रेंज करता है, यानी अश्लीलता से लेकर के डायरेक्ट छेड़छाड़ तक। टुगेदर दे मेक फॉर अ सैड एंड वॉरिंग रीडिंग, अगर टुगेदर मिला करके, कुल मिला करके साथ में, ये एक बहुत ही उदासी, सैड एंड वॉरिंग रीडिंग है, बात है, रीडिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग। बट एट लीस्ट अ कपल हाईलाइट हाउ फार ही सीम्ड विलिंग टू गो, बट एट लीस्ट, बट लेकिन कम से कम अ कपल हाईलाइट, देखिए इसका क्या मतलब हुआ, कम से कम जो, बट एट लीस्ट अ कपल हाईलाइट, कपल हाईलाइट का मतलब, तो कपल मतलब कुछ कुछ, यानी जो कपल मतलब एक जोड़ा भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अ कपल हाईलाइट मतलब जो कुछ हाईलाइट हुआ है, ये जो हाउ फार ही सीम्ड विलिंग टू गो, ये कहाँ तक जाएगा ये देखना है। गजला वहाब, गजाला या गजला वहाब, इनका ये कोई नाम है किसी का, अभी क्या है वो नाउ एग्जीक्यूटिव एडिटर है फोर्स मैगजीन में, हैज रिटन ऑफ अ रिपीटेड मोलेस्टेशन एट हिज हैंड्स इन द मिड 1990s व्हेन ही वाज हर एडिटर एट एशियन एज। उनका ये गजला हाब मोहतरमा, ये गजला वहाब जो है उनका आरोप है, जो कि अभी एग्जीक्यूटिव एडिटर है फोर्स मैगजीन में, उन्होंने रिपीटेडली मोलेस्टेशन के बारे में लिखा है, जो एट हिज हैंड, एट हिज हैंड मतलब जो उनका इन्वॉल्वमेंट हो एमजे अकबर जी का, उनके प्रति लिखा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है और मोलेस्टेशन के प्रति उन बार बार लिखा है। जब कब के बारे में ये घटना है, मिड 1990s के बारे में, जब ये एशियन एज में एडिटर थे, व्हेन ही वाज हर एडिटर एट एशियन एज, उनके जो एडिटर थे जब हमारे ये एम जे अकबर जो ये हैं एशियन एज में उस समय एडिटर थे, तो ये काम करती थी गजला वहाब एज एडिटर, एम जे अकबर वहाँ पे थे एशियन एज में, तो उस समय उनके साथ में जो मोलेस्टेशन के जो केस होता था उनके बारे में उन्होंने लिखा है गजला वहाब ने। एक और चीज़ है मजली दी प्यू कैंप, काफ़ी डिफिकल्ट नाम है। नाउ अ न्यूयॉर्क बेस्ड रिपोर्टर, ये न्यूयॉर्क बेस्ड रिपोर्टर हैज स्पोकन ऑफ हाउ अ डिकेड लेटर ही फोर्सिबली किस्ड हर।
मजली डी क्यू कैंप नाउ अ न्यूयॉर्क बेस्ड रिपोर्टर, जो कि अभी न्यूयॉर्क बेस्ड रिपोर्टर है, उन्होंने भी बोला है कि अ डिकेड लेटर हाउ अ डिकेड लेटर ही पॉसिबली किस्ड हर। ये जो महिला है मजली डी कैंप, ये अभी क्या है कि न्यूयॉर्क बेस्ड रिपोर्टर अभी काम करती है, हैज स्पोकन ऑफ हाउ अ डिकेड लेटर ही फोर्सिबली किस्ड हर। इन्होंने भी ये जो महिला है इन्होंने भी बताया कि कैसे उन्होंने फोर्सिबली किस किया था उनको, जब वो व्हेन शी वाज 18 एंड इंटर्निंग विद हिम, जब वो 18 साल की थी और इंटर्न के रूप में काम करती थी एमजे अकबर के साथ में, तो उन्होंने फोर्सिबली किस किया था। ये महिला, एक महिला ये हो गई मजली डी कॉम्प, दूसरी महिला ये हो गई गजला भाप। ये दो महिला ने अभी तक हम बात कर चुके हैं कि फोर्स मैगजीन के एडिटर इन चीफ जब थे वो, सॉरी गजला भाप जो है उन्होंने कैसे, जब एशिया न्यूज में काम करती थी तो उन्होंने आरोप लगाया उन पे। उसके बाद अभी जो है मजली डी क्यू कैंप मजली, इन्होंने भी आरोप लगाया कि 18 साल की जब थी तो इंटर्न कर रही थी उनके साथ में एमजे अकबर के साथ में, उस समय भी उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया था, यानी किस किया था उनको। ठीक है, ये पूरा अभी तक हमने उनके आरोपों का पोस्टमार्टम किया। मिस्टर अकबर्स कंस्पिरेसी थ्योरी दैट द मी टू चार्जेस हैव सेटल्ड अपन हिम बिकॉज इलेक्शंस आर नाउ लूमिंग इज अ वीक एंड टोटली अनकन्विंसिंग। अब क्या है, जो एमजे अकबर्स कंस्पिरेसी थ्योरी, उनका जो कंस्पिरेसी थ्योरी है एमजे अकबर का, वो कहते हैं कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी है दैट मी टू चार्जेस। उनका कंस्पिरेसी थ्योरी क्या है, वो कहते हैं कि जो मी टू चार्जेस है वो सेटल्ड अपन हिम इसलिए उन पे लगाया गया है क्योंकि बिकॉज इलेक्शंस आर नाउ लूमिंग, इलेक्शंस जो है मंडरा रहा है, इज अ वीक एंड टोटली अनकन्विंसिंग, ये कमजोर और पूरी तरह से अनकन्विंसिंग उनका कंस्पिरेसी है। ही हैज नो पोलिटिकल हेफ्ट एंड कंस्पिरेसी टू टर्निश हिम एंड सिक्योर हिज स्पीडी एग्जिट। ही हैज नो पोलिटिकल हैफ्ट, पोलिटिकल हैफ्ट का मतलब होता है उनका कोई वैसा पोलिटिकल वजन वैसा नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, एबिलिटी नहीं है, इन्फ्लुएंस इम्पोर्टेंस नहीं है कि उनके ना रहने से कुछ ऐसा होने वाला है, तो क्या है उनका कोई वैसा पोलिटिकल वजन है नहीं। एंड कंस्पिरेसी टू टार्निश, और ऐसा कोई कंस्पिरेसी साजिश करके उनके जो कलंक करना, उनकी छवि को धूमिल करना, ऐसा कुछ बातें नहीं है कि उनके साथ ही ऐसा हो। एंड सिक्योर हिज स्पीडी एग्जिट, और ऐसा सिक्योर किया जाए कि वो बाहर चले जाए सरकार से। तो उनका जो पूरा ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है ये अपने आप में ही कमजोर पड़ता है, इसलिए कमजोर पड़ता है क्योंकि वैसा कोई उनका पॉलिटिकल हैफ्ट वजन है नहीं कि उनके जो कलंक किए उनके जो धूमिल छवि को धूमिल करके उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो ये तो पहला चीज उनका लेम एक्सक्यूज होता है, एग्जिट फ्रॉम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, स्पीडी एग्जिट फ्रॉम द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट वुड हैव लेफ्ट इट नन द वीकर, यानी मोदी सरकार अगर वो निकल भी जाते हैं तो ऐसा कुछ वीक नहीं होने वाले हैं, मोदी सरकार का जो सरकार है उन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। नाउ दैट ही हैज डिसाइडेड टू डिग हिज हील इन, अब डिग हिज हील इन यानी इसका मतलब होता है डिग योर हील्स इन, इसका मतलब होता है रिफ्यूज टू चेंज योर प्लान्स और आइडियाज स्पेशली व्हेन समवन इज ट्राइंग टू परसुएड यू टू डू, यानी जब आपको कोई प्रेरित कर रहा हो, जब आपको कोई बोल रहा हो, इंस्ट्रक्ट कर रहा हो कि आप स्टेप डाउन कीजिए, अब कुछ आपको बोल रहा हो कि आप इस तरह का कार्य कीजिए, तो आप उसको रिफ्यूज कर देते हैं प्लान को, आइडिया को करने से, क्योंकि कोई और आपको परसुएट कर रहा करने के लिए परसुएट कर रहा हो, प्रोत्साहित कर रहा हो, तो आप मना कर देते हैं। तो इसी उसका मतलब होता है डिग हिज हील्स इन, इसको बोलते हैं। नाउ दैट ही हैज डिसाइडेड टू डिग हिज हील्स इन, अपने जब वो रिफ्यूज कर रहे हैं, कॉमा है यहाँ पे, कॉमा द फोकस कांट बट शिफ्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो अब ये चूंकि वो डिसाइड रिफ्यूज कर चुके थे मना करने के लिए और स्टेप डाउन करने से, तो जो टोटल जो शिफ्ट है अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ आ चुका है।
Why wasn't his resignation demanded and secured on his return to the capital? क्यों नहीं उनका रेजिग्नेशन मांगा गया और ये सिक्योर किया गया कि उनका रिटर्न जब कैपिटल में हो तो रेजिग्नेशन के साथ आए. Surely the Prime Minister had more than enough time to sift through the charges. Surely जो प्राइम मिनिस्टर के पास काफ़ी समय है इस चीज़ को छानबीन करने के लिए, चार्जेस के थोरोली चार्ज करने के लिए चार्जेस को. टेक स्टॉक ऑफ मिस्टर अकबर्स एलिस्ट मिसडिमेनर्स एंड कंक्लूड वेदर ही शुड कंटिन्यू इन द कैबिनेट. और उनके जो डिग्री, देखिए स्टॉक का मतलब होता है द डिग्री टू विच अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज पॉपुलर और रेस्पेक्टेड, यानी कितना हद तक कोई इंसान पॉपुलर है, रिस्पेक्टेड है, वो उसको दिखाता है. तो यहाँ पे क्या है कि पहला तो चीज़ बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर के पास काफ़ी छानबीन करने का समय था चार्जेस का, लेकिन उन्होंने जो अभी रिजाइन उनको नहीं लिया था. अब क्या है, कॉमा के बाद है, टेक स्टॉक ऑफ मिस्टर अकबर्स एलिस्ट मिसडिमिनर्स एंड कंक्लूड वेदर ही शुड कंटिन्यू टू द कैबिनेट. टेक स्टॉक, टेक स्टॉक का मतलब होता उनकी जो पॉपुलैरिटी को, उनके पॉपुलैरिटी और उनके जो रिस्पेक्ट है उसको देख कर जो एलिस्ट मिसडिमिनर्स है, उनका दुष्कर्म का जो तथा कथित उन पर आरोप है, उसको आप उनको देखते हुए कंक्लूड करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को डिसाइड करना चाहिए कि उनको वेदर ही शुड कंटिन्यू उनको कैबिनेट में कंटिन्यू रखना है या नहीं, करना या नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए. बट बाई फेलिंग टू डू इमीडिएटली फोर्स हिम टू स्टेप डाउन. और इस तरह के चीज़ें नहीं करके फेल हो चुके हैं, मतलब इमीडिएटली उनसे नहीं लिया गया त्यागपत्र और इस तरह वो असफल रहे कार्यों को करने में. इमीडिएटली स्टेप डाउन उनको नहीं करवाया गया, चाहे फोर्सफुली हुआ चाहे वो उन्होंने स्वेच्छा से कुछ खुद नहीं किया. तो इस तरह जो वो असफल रहे करने में, मिस्टर मोदी हैज सेंट एन अनफॉर्चुनेट मैसेज, उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण मैसेज भेजा है लोगों के बीच. अबाउट हिज गवर्नमेंट्स एटीट्यूड टू हैरेसमेंट, जो हैरेसमेंट के प्रति जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, इस तरह के वो दुर्भाग्यवश मैसेज गया है लोगों के. एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन इन वर्क प्लेसेस, और जो वर्क प्लेसेस में वीमेन का जो प्रोटेक्शन है, इन दोनों चीज़ों के लिए एक गलत मैसेज गया है. He has appeared as if he is standing behind Mr. Akbar. He has appeared, ऐसा प्रतीत होता है, as if मानो कि वो Mr. Akbar के पीछे खड़े हैं. And will be perceived by many as having failed India's women. और ये बहुत काफ़ी लोगों के द्वारा ये महसूस किया जाएगा, परसीव किया जाएगा कि इंडिया की वुमेन असफल रही. तो ये बातें हुई हैं, सरकार के तरफ से भी इतनी सारी चीज़ें बातें की गई कि उनको क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या गलत कदम उठाया, इस तरह के पूरे एडिटोरियल रहा. तो इस एडिटोरियल को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, आशा है कि पसंद आया होगा. पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे. और किसी ग्रुप में, ऐसे कोई ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, वहाँ पे शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों वीडियो को. थैंक्स फॉर वॉचिंग.